गर्मियों में पिए ठंडी तसीर वाला गूंद कतीरा शरबत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन किचन ब्लॉग। आज हम बनाएंगे गूंद कतीरा वाला शरबत। मैं बना रही हूँ लेमन वाला। ये मैंने गूंद कतीरा 2 चम्मच ही लिए थे, उनको रात को भिगो दिया था। ये 2 चम्मच ही फूल के बहुत हो जाता है और इसकी तसीर ठंडी होती है, तो इसका गर्मियों में ज़रूर सेवन करना चाहिए। चलिए बनाते हैं। ये मैंने ग्लास में थोड़ा सा पानी डाल लिया है, इसमें ये शुगर डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। ये मैं जीरा और काली मिर्ची डाल रही हूँ। मैं ये जलजीरे वाला लेमन बना रही हूँ। अब हम इसमें गूंद कतीरा डालेंगे, या आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैं 2 से 2.5 चम्मच डाल रही हूँ। साथ में मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए हैं, इनको थोड़ा मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। ये मैंने बिल्कुल फ्रेश लेमन लिया है। ये मैंने लेमन थोड़ा सा कट करके भी डाल दिया। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। आप भी इसको जरूर बनाना, बहुत ही अच्छा और बढ़िया बनता है, बहुत ही यम्मी। और गर्मी के मौसम में जरूर ट्राई करिएगा गूंद कतीरा लेमोनेड। अब हम बनाएंगे रोज वाला, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने गूंद कतीरा डाल लिया है 2 चम्मच। आप अपने हिसाब से गूंद कतीरा डाल सकते हो, आपको जितनी नीड हो। ये मैंने 2 से 2.5 चम्मच इसमें डाल लिए हैं। ये इसमें मैंने शुगर डाली है 2 चम्मच। अब मैं इसमें रोज वाला सिरप डाल रही हूँ। ये मैंने फ्लेवर के लिए ऐड किया है। अब आइस डालूंगी। अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही इंस्टेंट बनते हैं शरबत, आप भी गाइस जरूर ट्राई करिएगा, और बहुत ही यम्मी रहते हैं। और गर्मी के मौसम में तो जितना ज़्यादा हम लिक्विड पियेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ये आप देख सकते हो, हमारा शरबत बन के बिल्कुल रेडी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताजो आगे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे हमने चम्मच की हेल्प से इसको जो है मिक्स कर लेना है, ताजो गूंद कतीरा नीचे ना रह जाए। आप देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखने में इतना अच्छा है तो पीने में तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम बनाएंगे मैंगो गूंद कतीरा शरबत। इसलिए मैंने ग्लास ले लिया है। इसमें मैंने ये फ्रेश मैंगो को जो है मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये 2 टेबल स्पून लिया है, उसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून जो है गूंद कतीरा ले रहे हैं। अब मैं इसमें ये शुगर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा सिरप अगेन डाल लेंगे। अब मैं इसमें आइस डाल रही हूँ और साथ ही में दूध डाल लिया है। ये हमारा मैंगो गूंद कतीरा शरबत भी बन के एकदम रेडी है। ऐसे हम सर्व कर सकते हैं इसको। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, और आप भी घर पे ज़रूर बनाइएगा। एकदम फ्रेश बनता है ये शरबत। आप भी ऐसे चम्मच के साथ इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना, ताजो हमारा गूंद कतीरा जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।